डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ज्योग्राफी के बाद में हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। पहले हम आपको एक एक चैप्टर अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो इस क्रम में जो पहला चैप्टर आपका है वो है आपका विकास, मतलब डेवलपमेंट। जो चैप्टर आपका पहला है वो क्या है? डेवलपमेंट मतलब विकास। जो बच्चे बच्चों के पास में हाई स्कूल की बुक्स हैं वो लोग अच्छे तरीके जानते हैं। तो विकास है क्या, ठीक है? विकास क्या है? विकास का मतलब है कि हर एक क्षेत्रों में उन्नति, ठीक है। और अलग अलग लोगों के लिए जो विकास के लक्ष्य हैं, विकास के जो उद्देश्य हैं, विकास के जो मायने हैं, विकास का जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कि हर आदमी अपने स्तर पर विकास को देखता है, ठीक है। अलग अलग संस्थाएं अपने संस्था में उन्नति को देखती हैं, विकास को देखती हैं, और अलग अलग व्यक्ति अपने विकास को अलग अलग तरीके से देखता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आपका विकास हो रहा है, ठीक है। सरकार देश में जो बुनियादी ढांचे में सुधार होते हैं, बुनियादी ढांचों में जो उनका विकास होता है, उनकी जो उन्नति होती है उसे उसका अर्थ उनसे लेते हैं। और यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो मनुष्य का जो विकास का अर्थ है वो उसकी आय से हो जाता है, ठीक है। जैसे देश में सड़कें, ठीक है, पुल या अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं तो इससे लोगों के विकास जुड़े हुए होते हैं। तो अलग अलग क्रम में अलग अलग विकास की श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि हर आदमी के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आप सोचते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। आप 10 रुपये कमा रहे हैं फिर आपकी आय 15 रुपये हो जाए तो आपका विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कि हो सकता है कि वही विकास जो है किसी दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि विकास सभी के लिए, उसका अर्थ सभी के लिए एक समान होता है। मान लीजिए कि एक डैम बनता है, मतलब एक बांध बनाया जाता है, नदी पर बांध बनाए जाते हैं, तो इससे देश को बिजली मिलती है, ठीक है। अन्य सिंचाई की सुविधाएं उत्पन्न होती हैं और अन्य उसके लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ तक नहरें बना करके हम वहाँ तक पानी पहुँचा सकते हैं, जल को पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पर विकास कार्य होगा, सिंचाई के लिए वो पानी जल मिलेगा, ठीक है। लेकिन बांध बनाने से अनेकों घर जो हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, तो विस्थापन बड़ी मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो विकास का अर्थ क्या होना चाहिए? सामान्यतः व्यक्ति को सामान्यतः हर आदमी अपनी आय को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में लोग समानता के व्यवहार और स्वतंत्रता और सुरक्षा और दूसरों से सम्मान पाने की भी इच्छा करता है, तो ये भी एक विकास ही है, ठीक है। अब आता है क्या? राष्ट्रीय विकास। क्या आता है? राष्ट्रीय विकास क्या है? कि राष्ट्रीय विकास के इन विषयों में विचार किया जाता है कि सभी के विचारों को बराबर मान्यता मिले, सभी के विचारों को बराबर सम्मान प्राप्त हो, ठीक है। और एक बात और भी है कि विकास जो है ना वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में विकास के अलग अलग मायने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी विश्व बैंक संस्था है, जो वर्ल्ड बैंक संस्था है, ये देशों के विकास का मापन करती है, ठीक है, कि कौन सा देश वास्तव में विकसित है और कम, और कौन सा विकासशील है और कौन सा अविकसित है या अल्प विकसित है, ठीक है। तो वहाँ से की वहाँ के राष्ट्रीय आय को भी देखती है, ठीक है ना। क्या करती बताओ?
कि वहाँ की राष्ट्रीय आय को देखती है और प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होती है वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। और स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? कि देश की कुल आय को जब हम देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमारी निकल आती है क्या? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब आप तुलना करिए कि जैसे आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय लगभग $50,000 है, 49,000 समथिंग है। ठीक है, लगभग $50,000 वहाँ की राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक, और अपने यहाँ इंडिया में लगभग 1340। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका के लोगों को या अमेरिका को एक विकसित देश कहा जाता है कि वहाँ के जो विकास है वो हमारे भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग $50,000 है और भारत की लगभग मात्र केवल $1,340। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है क्या कि विकास में सार्वजनिक सुविधाएं की देखी जाती है कि जहाँ पर फंडामेंटल कॉन्वीनियंसेस या फैसिलिटीज जो हैं वो जितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं वहाँ उस देश को बहुत ज़्यादा विकसित उतना ही ज़्यादा विकसित समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप परिवहन को ले लीजिए और अन्य जो सार्वजनिक सुविधाएँ हैं जैसे अस्पताल है, स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, टेलीफोन सेवाएँ, मतलब संचार सेवाएँ हैं। ठीक है, और बाजारीकरण, तमाम तरीके की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जिस देश में जितनी ज़्यादा बेहतर होती है उसे उस देश को उतना ही ज़्यादा विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में जो विश्व बैंक है वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा को भी देखती है। मतलब जो अन्य संस्थाएं हैं वो केवल प्रति व्यक्ति आय को देखती हैं किसी भी राष्ट्र के विकसित विकास की गणना करने के लिए, केवल वहाँ के प्रति व्यक्ति आय को देखती हैं कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है वो देश न ज़्यादा विकसित है। लेकिन विश्व बैंक जो है वो केवल प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी देश के विकास की गणना नहीं करती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो विकास की सही गणना कर भी नहीं सकता है, सही मापन कर भी नहीं सकता है। हो सकता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल बेकार हैं या शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो देश विकास की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो विश्व बैंक क्या करती है कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में उस देश के लोगों का स्वास्थ्य स्तर की भी गणना करती है, साथ साथ में शिक्षा की भी गणना करती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है क्या कि विकास की धारिता का तात्पर्य है विकास के स्तर को और भी ज़्यादा ऊंचा उठाना। और विकास का स्तर ऊंचा कैसे उठ सकता है कि समस्त प्रकार की सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना करके, उत्पादन कार्य को बेहतर ढंग से करके, ठीक है, व्यापार को और ज़्यादा विकसित करके, जो हमारे देश का जो बुनियादी ढांचा है, सड़क है और संचार सेवाएं हैं, पुल हैं, बांध हैं, मतलब ये जो सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं की जो सुविधाएं हैं, इनको और भी ज़्यादा बेहतर बना करके हम विकास के एक अच्छे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, कुछ हम आपको टॉपिक्स देते हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है, कि कुछ हमारे पास में शब्दावलियाँ हैं जिनके अर्थ को हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है? विकास। विकास क्या है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और साथ साथ में निर्धनता और असमानता, अशिक्षा और लोगों में कमी भी हो जाती है। ठीक है?
ठीक है, और उनके जीवन स्तर में ज़्यादा अच्छा सुधार होता है। तो यही ये क्या है आपका विकास है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास क्या है, दूसरा शब्द आपका है राष्ट्रीय विकास। ये शब्दावलियाँ जो हैं, इन शब्दावलियों से आपसे एक नंबर या दो नंबर में बहुविकल्पी में या अदलगोत्री में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप करना क्या है, इन शब्दावलियों को ध्यान से सुनना है। तो राष्ट्रीय विकास क्या है, किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विकास जो है वो राष्ट्रीय विकास कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कि एक देश की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो विकास है उसे राष्ट्रीय विकास कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है कि ऐसी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कार्य करती हैं, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे आप ले लीजिए सैमसंग ले लीजिए, फिलिप्स ले लीजिए, वीडियोकॉन ले लीजिए, ठीक है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये अनेक देशों में उत्पादन के कार्य करती हैं, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या हुआ स्टूडेंट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन कार्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है कि आर्थिक विकास एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होती जाती है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या है कि आर्थिक विकास मतलब लोगों के धन में वृद्धि होना, हमारे तुम्हारे खर्च करने की क्षमता में इजाफा होना, खर्च करने में वृद्धि होना, वो क्या कहलाता है आर्थिक विकास। कि जैसे कि आज हम 100 रुपये अगर खर्च कर पा रहे हैं तो कल हमारी क्षमता 200 रुपये खर्च करने की हो, अगर आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो कल आपकी 15,000 रुपये की कमाने की 15,000 रुपये आप कमाने लगे, तो ये क्या है, ये है आर्थिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब आते हैं क्या औसत आय, औसत आय क्या होती है कि औसत आय क्या होती है कि किसी देश की कुल जनसंख्या को, किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश की आय से भाग देने पर जो धन की मात्रा हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है क्या प्रति व्यक्ति आय, काहे की मनुष्य की, मतलब औसत आय कहलाती है, ठीक। औसत आय क्या है कि एक देश की कुल जनसंख्या को उस देश की राष्ट्रीय आय से भाग देने पर जो भाग पर हमें प्राप्त होता है वो है एक व्यक्ति की औसत आय, ठीक है। अच्छा फिर क्या है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रणालियों और विभिन्न प्रकार के संगठनों का एक समूह है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली, सरल शब्दों में कह दे तो कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा हम विभिन्न माध्यमों से अपनी आजीविका को कमाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्या मानव विकास, मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या है कि मानव विकास, मानव की जो जीवन स्तर है, मानव के जीवन स्तर में वृद्धि ही मानव विकास है, मतलब मानव का, मानव की जो औसत आय है वो ज़्यादा मात्रा में हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी शैक्षिक अवस्था अच्छी हो, तो ये क्या है मानव विकास, मतलब मानव की आर्थिक और स्वास्थ्य और शैक्षिक व्यवस्था में वृद्धि को कहते हैं क्या मानव विकास, ठीक है। क्या अगला जो आपकी शब्दावली है वो क्या है विश्व बैंक। तो स्टूडेंट्स विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी, ठीक है। और इस बैंक का क्या उद्देश्य है, विश्व बैंक का क्या उद्देश्य है, विश्व बैंक का उद्देश्य है कि निर्धन और साधनहीन और विकासशील देशों को
आर्थिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करना, ठीक है, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक सन 1944 में स्थापित एक ग्लोबल बैंक है जो विश्व के समस्त निर्धन और संसाधन विहीन देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? विकसित देश कौन से देश हैं? पूछ सकते हैं विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित देश किन्हें कहते हैं, ये परीक्षा में एक नंबर या दो नंबर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स विकसित देश का क्या है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले जो देश हैं वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात ऐसे देश जहाँ की औसत आय प्रति व्यक्ति आय जो है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और वे समस्त प्रकार के आधारभूत संसाधनों से फुलफिल्ड है, भरे हुए हैं, ऐसे देश कहलाते हैं क्या है, विकसित देश, ठीक है। अर्थात जो जिन्होंने विकास के समस्त मानकों को स्थापित कर रखा है, अपने संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग कर रखा है और लोगों के जीवन स्तर में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है, ऐसे देश कहलाते क्या है, विकसित देश। फिर लिखा है क्या, निम्न आय वाले देश, तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 1005 प्रतिवर्ष हो या उससे कम हो, मतलब ऐसे देश जिनकी औसत आय, वे देश जहाँ की प्रति व्यक्ति आय 1005 डॉलर से कम हो या उतनी हो, ऐसे देश कहलाते हैं क्या है, निम्न आय वाले देश, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या कि शिशु मृत्यु दर, तो स्टूडेंट इसके बाद आते हैं क्या कि शिशु मृत्यु दर क्या है, ये परीक्षा में पूछ सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से पहले आयु में मृत हो जाने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं क्या, शिशुओं की संख्या कहते हैं क्या, शिशु मृत्यु दर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है कि प्रति एक वर्ष में 1000 बच्चों पर एक वर्ष से कम उम्र में ही मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को कहते हैं क्या, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका है साक्षरता दर, ठीक है, आता आपका क्या आता है साक्षरता दर क्या है कि सात और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है वो कहलाता है क्या, साक्षरता दर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है कि सात या उससे अधिक उम्र के लोगों का जो साक्षरता जनसंख्या है, जो साक्षर जनसंख्या का अनुपात है उसे कहते क्या है, साक्षरता अनुपात। इसके बाद कह रहा है क्या निवल उपस्थित अनुपात, ये क्या है, तो 6 से 10 वर्ष के आयु के विद्यालय जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के मध्य का जो अनुपात है वो निवल उपस्थित अनुपात कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका UNDP, क्या है ये कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में जो विश्व बैंक के विभिन्न देशों का अध्ययन कर उसकी मानव रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो कहलाता है क्या है, UNDP। आप फिर समझ लीजिए UNDP क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट तो जो संयुक्त राष्ट्र की विकास का जो विकास कार्यक्रम है, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका है तो वो समस्त देशों में
जिसके विभिन्न देशों का अध्ययन करके वो संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव विकास की रिपोर्ट को भेजता है। कौन? UNDP। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है कि UNDP के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को उपलब्ध कराए गए लोगों विभिन्न देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य और आय की जो जानकारी है वो कहलाती क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, UNDP के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को उपलब्ध कराई गई विभिन्न देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी कहलाती क्या? मानव विकास रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आती है क्या? HDI, ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास सूचकांक। ठीक है, कह रहा है क्या कि यह जो है HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, वो विश्व के देशों में विकास के स्तर को समझने और उसकी तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है, विकास की धारणा क्या है? विकास की जो स्तर को हमने प्राप्त कर लिया है वह भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बना रहे। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? विकास की धारणा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो विकास चैप्टर है, ये आपका शॉर्टली ये आपको कंप्लीट होता है। शॉर्टली आपको मैंने समझा दिया है और आशा करता हूँ कि आप इसे बेहतर तरीके से आपने समझा होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने पहले वाले चैप्टर अर्थशास्त्र के विकास को ध्यान से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।